नमस्कार आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। पीछे दिलीप साहब की बुक रखी है, द सब्सटेंस एंड द शैडो, ऑटोबायोग्राफी उनकी। दोस्तों, इस किताब में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन आज मैं जिक्र करूंगा एक बात का, जिसका जिक्र दिलीप साहब ने किया है इस किताब में। सायरा जी और दिलीप साहब की शादी 1966 में हुई, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि क्या दिलीप साहब की बहनें, उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, और क्या कुछ हुआ फूल जैसी सायरा बानो के साथ, और कैसे उन्होंने एडजस्ट किया। और यह भी बताएंगे वो एहसान जो मानते थे दिलीप कुमार मनोज कुमार का दिलीप साहब के ऊपर, ये क्या मामला है। नैन लड़ जाए है तो मनवा मां कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है। दिल का दर्द मिला है किसी को मन का मीत हो तो कितनी हसी है जिंदगी जीने। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये जिंदगी के रंग कई रे साथी रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रो। आज की रात मेरे दिल की सलामी यार सता है, यार सता है। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार मुझसे क्या करते हो, बरसों से तो कहता आया I love you। जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूंगी। दोस्तों, दिलीप साहब की जब शादी हुई सायरा जी के साथ, वो उनसे काफी छोटी रहीं, आधी उम्र की। जो एक जोशी ने बताया था कि तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी जो बीवी होगी वो भी बीमार रहेगी। अब साहब, शादी के बाद दिलीप साहब और सायरा जी ये लोग जाते हैं भूटान हनीमून के लिए। वहाँ की फैमिली उन्हें बुलाती है, वहाँ रहते हैं जंगल में एक मकान में लकड़ी के, और साथ में सायरा जी के साथ जो घर में काम करने वाली नूर जहाँ थी वो भी गई थी, जिनके बारे में दिलीप साहब ये कहते थे कि ये हमें दहेज में मिली है, मजाक में। खैर साहब, नूर जहाँ सो गई अपने कमरे में, और सायरा जी और दिलीप साहब अपने रूम में सो रहे थे। सर्दी बहुत थी, आग वगैरह लगाई गई कोयले के जरिए, खिड़कियाँ दरवाजे बंद। अब रात में दिलीप साहब जब उठे तो उन्होंने देखा कि सायरा बानो बिस्तर पर नहीं है, वो बेहोश पड़ी हैं कहीं दूर बाथरूम के पास। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, फिर डॉक्टर ने ये बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई है रूम के अंदर, क्योंकि तो पूरा आपने बंद कर लिया था, ये उसकी वजह है। खैर साहब, वहां से ये लोग बम्बई आए। ये शुरुआत हुई सायरा जी की बीमारी की। अब जब सायरा जी यहाँ आ गई तो दिलीप साहब के घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके घर वाले नहीं चाहते थे दिलीप साहब की बहनें, उसकी वजह यह है कि दिलीप साहब के जो भाई रहे नासिर साहब, उन्होंने बेगम पारा से शादी की, और सकीना आपा जिनकी घर में चलती थी दिलीप साहब की, वो उस शादी से खुश नहीं थी, लिहाजा सायरा जी को वो पसंद नहीं करती थी। उसकी वजह यह भी है कि सायरा जी फिल्मों से ताल्लुक रखती, और फिर ये दोनों काम करते थे, दिलीप साहब भी और सायरा जी, और दिलीप साहब की दूसरी बहनें भी, चाहे वो फौजिया हों सईदा हों, वो भी साथ, सब साथ में ही रहते थे, और दिलीप साहब किसी से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि बहनों के खिलाफ कैसे जाएं, नहीं तो फिर वही होता है ना कि भाई आप अपनी वाइफ का साथ दे रहे हैं, वो जो बातें होती हैं घरों में। खैर, सायरा बानो जो इतना बोलती थी, इतना मतलब उनमें एक चुलबुलापन था, फिल्मों में भी दिखता है ना, वो एकदम खामोश हो गई, क्योंकि वो एडजस्ट कर रही थी सिर्फ दिलीप साहब की वजह से, कि नहीं मुझे इस घर को लेकर, कई बार दिलीप साहब ने कहा भी हम अलग हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं साथ रहूंगी बहनों के। वो कई दुश्वारियां पैदा होती थी, मसलन किताब में लिखा है कि अगर उस जमाने में इतने बाथरूम तो होते नहीं थे, अब सुबह सुबह सायरा जी को शूटिंग पे जाना है तो उनकी बहन बाथरूम में चली गई, सायरा जी लेट हो रही है लेकिन कुछ कह नहीं सकती, तो वो ये करती पास ही में उनकी माँ नसीम बानो का घर था, वहाँ चली जाती, वहाँ से शूटिंग पर चली जाती। इस तरह से मामला चल रहा था, सायरा जी एडजस्ट कर रही थी, और दिलीप साहब सब कुछ देख कर भी इसलिए खामोश थे कि क्या कहें बहनों से, वो सिर्फ सायरा बानो की तारीफ करते थे।
कि ये ऐसी लड़की जो इतने नाजों से फूलों से पली है कितना यहां पर सह रही है। लेकिन होता क्या है कि अब जब अंदर ही अंदर अपन सहो बहुत ज्यादा तो बीमारियां हो जाती हैं। वही सायरा जी के साथ हुआ, अल्सर हो गया और भी बीमारियां हो गई उन्हें। अब इलाज उनका बंबई में हो रहा था, सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में वहां इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पर बात नहीं बन रही थी, आंत वगैरह भी सूख गई थी उनकी डॉक्टर के मुताबिक। फिर यह तय हुआ कि इन्हें लंदन लेके जाया जाए क्योंकि वो तो वहीं से पढ़ी थी और नसीम बानो भी जानती थी काफी कुछ। अब साहब सायरा बानो को लंदन लेके जाया गया, दिलीप साहब नसीम बानो वहां गए और वहां भी डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर थे क्वीन एलिजाबेथ के डॉक्टर, जी हाँ डॉक्टर फ्रांसिस, बहुत बड़ा नाम। अब वहां पर यह तय हुआ कि सायरा जी को एडमिट कर दिया जाए, लेकिन वहां शर्तें बड़ी सख्त थी कि कोई रहेगा नहीं। लेकिन फिर नसीम बानो जी को इजाजत मिल गई जो किताब में लिखा है, और दिलीप साहब भी वहीं रहते थे और खूब खिदमत की एक महीने नसीम जी ने और दिलीप साहब ने सायरा बानो की, और डॉक्टर भी बड़े खुश हुए कि भाई ये इतना अपनापन तो भारत जैसे देश में ही हो सकता है, यहां तो नहीं होता इतना। खैर सायरा जी ठीक हो गई, माहौल बदला, इलाज हुआ, और वहीं पर उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी पूरा पर पश्चिम की, उसमें तो वहीं का पूरा कई सीन्स हैं यूरोप के लंदन के। अब मनोज कुमार का जिक्र किया है दिलीप साहब ने, क्योंकि मनोज साहब दिलीप कुमार जी के कितने बड़े फैन हैं बताने की जरूरत नहीं, नाम ही उन्होंने मनोज रख लिया, दिलीप साहब की एक फिल्म नाम था। तो अब पूरब और पश्चिम को लेकर मनोज कुमार ने कहा कि जब तक सायरा सही नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, इंतजार करूंगा, और इंतजार किया और फिर इसलिए सायरा जी ने वहीं पर शूटिंग शुरू कर दी। मनोज कुमार ने यह तक कह दिया था कि अगर सायरा बानो ये फिल्म नहीं करेंगी तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनको नजर में रखकर ही तो मैंने ये फिल्म बनाई। खैर साहब अब ये फिल्म तो बनी, हमने देखी बड़ी अच्छी, सायरा बानो मनोज कुमार की एक से बढ़कर एक गीत। इसी किताब में दिलीप साहब जिक्र सुबोध मुखर्जी के भी करते हैं जिन्होंने जंगली में लॉन्च किया सायरा बानो को, फिर अप्रैल फूल, साज और आवाज, कि ऐसे भी लोग थे मनोज कुमार जैसे जिन्होंने इंतजार किया और सुबोध मुखर्जी ने इंतजार ही नहीं किया। जिस फिल्म में सायरा को लेने वाले थे, फिल्म शर्मिली में, पूछा भी नहीं सायरा से, वो नहीं आई तो दूसरी एक्ट्रेस को लेकर फिल्म बना दी। ये फिल्म इंडस्ट्री है, हालांकि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है लेकिन उन्होंने बताया है। अब मनोज कुमार की ये बात कि उन्होंने सायरा के लिए इतना इंतजार किया है, ये दिलीप साहब जैसी शख्सियत के लिए कर्ज, इसलिए जब क्रांति बनी तो दिलीप साहब ने फौरन हाँ कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे मौका मिला है कि मैं मनोज कुमार का कर्ज उतार सकता हूँ। हालांकि मनोज जी तो इसे कर्ज नहीं मानते थे लेकिन दिलीप साहब जैसी अजीम शख्सियत है। खैर दोस्तों ये सारी बातें हुई, फिर सायरा जी वापस आ गई बम्बई और अब की बार उन लोगों ने अलग घर लिया क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। दिलीप साहब भी कितना सहते और सारी बातें, ये लोग शिफ्ट हो गए, फिर अपना ये काम करते रहे और घर के हालात सब कुछ सही चलते रहे। लेकिन मुश्किलें थीं सायरा बानो के लिए, वो सायरा बानो जो नाजों से बनी, चुलबुली, जो मांगे वो मिल जाता था अपने घर में, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और ऐसे ही फिर थोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानो का इतना नाम है। सायरा जी ने दिलीप साहब का खूब साथ दिया, उनके घर वालों को लेकर चली, इस बात को दिलीप कुमार ने समझा, दिलीप साहब ने, और फिर बाद में तो हम जानते हैं कि ये सिलसिला जब तक चला जब तक दिलीप साहब इस दुनिया में रहे, बिल्कुल ऐसा था कि एक ही जिस्म और एक ही रूह, दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी। पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम जंगली, यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के, तेरी मेरी नई निभली छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं नो मैं। लेकिन इस बात का जिक्र अगर दिलीप कुमार साहब ने अपनी किताब में किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि वो क्या मानते थे सायरा जी को अपनी जिंदगी में। वो और बात है कि उन्होंने अस्मा रहमान वगैरह से शादी कर ली थी अलग, उसको भी उन्होंने लिखा है, अभी उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन दिलीप कुमार कितनी मोहब्बत करते थे सायरा जी से और सायरा जी कितनी मोहब्बत करती थी, इस किस्से से भी, इस बात से भी, इस हकीकत से भी पता चलता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, आप हमसे कोई भी बात शेयर कीजिए, अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो हम उस पर भी दोस्तों कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें,
नमस्कार, खुदा हाफिज़।